डीआरडीओ ने बनाए दो दमदार योद्धा, जिसमें से पहला है बम वर्षक विमान तो दूसरा है एंटी सबमरीन मिसाइल। चीन का काल बनने के लिए सिंगापुर रवाना होगा तेजस। दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों भारत का डीआरडीओ अपना अटेंशन मिसाइलों से हटाकर अब ड्रोन और बम वर्षक विमानों के निर्माण पर शिफ्ट कर रहा है। अब डीआरडीओ एक ऐसे विमान की मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू करने वाला है जो एक साथ कई मल्टीपल फंक्शनल कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिसे नेत्र मार्क 2 के नाम से जाना जाएगा। इसका उपयोग बम वर्षक विमान, सर्विलांस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे जुड़े कार्यों में किया जा सकेगा। इस विमान में हाई इंटेंसिटी रडार को इनबिल्ट किया जाएगा, जिसकी सहायता से ये विमान दुश्मन के नजदीक जाकर खुफिया जानकारी भारतीय सेना को मुहैया कराएगा। डीआरडीओ की एक शाखा बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के नाम से स्थित है, जहां पर एक विमान में इन सारी टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया जा चुका है। यह पूरा प्रोसेस भारतीय वायुसेना की देखरेख में पूरा किया जाएगा। इसके द्वारा नेत्र मार्क 2 का पहला परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण में सफलता मिलने के फौरन बाद भारत का डीआरडीओ एयर इंडिया के 6 पुराने विमानों को खरीदेगा, जिसके बाद इनके अंदर चेंज करके इनको मल्टी फंक्शनल विमान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में फ्रांस की भी मदद ली जाएगी। पुराने विमानों में जो शुरुआती बदलाव किए जाएंगे वे फ्रांस के द्वारा ही किए जाएंगे। इसके लिए फ्रांस से डील हो चुकी है। शुरुआती जो परीक्षण होने वाले हैं उसके बाद यह एयर इंडिया के पुराने विमान को फ्रांस रवाना कर दिया जाएगा। जब यह विमान फ्रांस से मॉडिफाइड होकर वापस लौटेंगे तो उसके बाद जितनी सारी टेक्नोलॉजी में इनबिल्ट की जानी है वह सभी भारत की होगी। केवल फ्रांस इसमें उन एरिया में बदलाव करेगा जिससे इन विमानों को एयर बॉम्बर में परिवर्तित किया जा सके। बताया जा रहा है कि इसमें जो रडार का इस्तेमाल किया जाएगा वह बहुत ही ताकतवर होगा, जो लॉन्ग रेंज को कवर करेगा। एक और जहां इस विमान के द्वारा दुश्मन के बंकरों को तबाह करने के लिए बम बरसाने में उपयोग किया जाएगा, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के पहले इनकी रेखी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों जितने भी रडार होते हैं वो स्थायी होते हैं, जिससे उनकी रेंज जो सीमित होती है, लेकिन इस विमान पर जिन रडार को लगाया जाएगा उससे जैसे जैसे ये विमान दुश्मन के ठिकानों के नजदीक जाएगा उससे इन रडार की रेंज बढ़ती जाएगी। आपको याद होगा पिछले महीने जब भारत ने अपने कई हथियारों की डील दूसरे देशों से कैंसिल की थी तो उसमें से अमेरिका से एक बम वर्षक विमान की डील भी शामिल थी। अब यही वजह है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुराने विमानों को मॉडिफाइड करके उनको बम वर्षक विमान में परिवर्तित किया जा रहा है। अमेरिका जिस मिसाइल को लेकर कर रहा था भारत के बस की बात नहीं, अब उसका होने जा रहा परीक्षण। दरअसल अमेरिका समय समय भारत को नीचा दिखाने के लिए अपनी करतूतों से बाज नहीं आता है। अमेरिका का मानना है कि डीआरडीओ इतना सक्षम नहीं हुआ कि वह घातक हथियारों का निर्माण कर सके, तो वहीं डीआरडीओ किसी को भी अपना जवाब ट्वीट या बयान से नहीं देता है, बल्कि अपने बनाए गए हथियारों की झलक को पेश करके देता है। अब इसी तरह एक बार फिर से डीआरडीओ करने की तैयारी में है। दरअसल डीआरडीओ इस बार एंटी सबमरीन मिसाइल का निर्माण करके दुनिया के शक्तिशाली देशों के पैरों के तले जमीन खींच लिया है। एंटी सबमरीन मिसाइल का निर्माण करना हर देश के बस की बात नहीं है। अभी दुनिया में गिने चुने ही ऐसे देश हैं जिनके पास यह महारत हासिल है। एंटी सबमरीन मिसाइल की जरूरत को पूरा करने के लिए कई देश रूस और अमेरिका से मिसाइलों को खरीदते हैं, लेकिन अब भारत भी इस क्षेत्र में महारत हासिल कर लिया है। इसका निर्माण करना बहुत कठिन होता है। आपको बता दें, एंटी सबमरीन मिसाइल से दुश्मन के सबमरीन पर अटैक किया जाता है और यह मरीन हेलीकॉप्टर यानी कि नेवी के हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाता है। लेकिन एंटी सबमरीन मिसाइलों को हेलीकॉप्टर में इनबिल्ट करना फाइटर जेट की तुलना में काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब भारत के पास शक्तिशाली फाइटर जेट है तो हम उनसे क्यों नहीं दुश्मन के सबमरीन पर अटैक करते हैं। तो आपको पता होगा कि सबमरीन समुद्र में पानी के नीचे चलती है, जो काफी गहराई में होती है, और कभी कभी इनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। और यह अचानक जब पानी के ऊपर सतह पर आती है तो फाइटर जेट से अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता है,
क्योंकि फाइटर जेट को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है, जबकि हेलीकॉप्टर को बहुत ही कम समय में अटैक करने के लिए तैयार किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर को किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। इन मिसाइलों का निर्माण करना इतना कठिन क्यों होता है, तो आप समझ लीजिए, इन मिसाइलों को बनाते समय इनको बहुत कॉम्बैट बनाना पड़ता है, और जब इनसे वार किया जाता है तो ये पानी के नीचे जाकर सबमरीन को हिट करती है। इसलिए इन मिसाइलों में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है ताकि जब ये मिसाइल पानी के नीचे पहुंचे तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी तकनीकी खराबी ना आए। भले ही कई देश इसके निर्माण पर असफल हो गए हो, लेकिन भारत के डीआरडीओ ने अब इस एंटी सबमरीन मिसाइल का निर्माण कर लिया है, और डीआरडीओ ने इसके दो वर्जन तैयार किए हैं। इसमें पहला वर्जन शॉर्ट रेंज का है और दूसरा लॉन्ग रेंज का है। इसमें जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, इसकी मारक दूरी लगभग 55 किलोमीटर है और इसका पहला परीक्षण इसी साल जुलाई तक किया जाएगा। इस परीक्षण के सफल होते ही भारत इसके एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों का परीक्षण करेगा, जिसकी रेंज लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच होगी। और साथ ही इसके सफल होते ही उन देशों को जवाब मिल जाएगा जो कहते हैं कि भारत के वैज्ञानिक इतने कैपेबल नहीं है जो एंटी सबमरीन मिसाइलों का निर्माण कर सके। अभी तक भारत भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों का ही सहारा लेता आ रहा था, लेकिन जैसे ही सबमरीन मिसाइलों के निर्माण की सूचना बाहर आई है, अमेरिका और रूस को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि एक तो भारत हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, और दूसरा अमेरिका और रूस की इकोनॉमी पर अटैक कर रहा है। क्योंकि जो देश अभी तक रूस और अमेरिका से हथियारों की डील करता था, अब वे धीरे धीरे भारत का रुख करने लगा है। इसके अलावा डीआरडीओ ने एक ऐसी ही धमक देने की तैयारी की है, जिसकी गरजने से चीन और पाकिस्तान दोनों के दिमाग की नसें सुन पड़ जाती है। अब वो चीन की चिंता बढ़ाने सिंगापुर पहुंचने वाला है। दरअसल आपको बता दें, सिंगापुर में एक एयर शो का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें चीन के कई पड़ोसी दुश्मन देश शामिल होंगे। जो चीन का काल बनने के लिए ये सभी देश इस भारतीय दमदार योद्धा को अपनाने की तैयारी में हैं। इस खबर ने चीन में खलबली पैदा कर दी है। एक ओर भारत एलएसी पर चीन को जबरदस्त टक्कर तो दे रहा है, तो दूसरी ओर कूटनीतिक चाल चल रहा है, जिससे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने माथे को पकड़ लिया है। भारत इस बार तेजस विमान के सहारे जिनपिंग के दिल और दिमाग के होश उड़ाने वाला है। दरअसल 2022 के एयर शो में एक बार फिर से भारत का तेजस विमान भारत का शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए जाने वाला है, और ये एयर शो सिंगापुर में होने वाला है, जिस एयर शो में चीन के कई दुश्मन देश भाग लेने वाले हैं। और ये सभी देश अब भारत से सैन्य हथियारों की डील की शुरुआत कर चुके हैं, जिससे यह पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इन देशों में जिस तरह से चीन अपनी चालबाजी पेश कर रहा है, उससे इन देशों को एक ताकतवर फाइटर जेट की खोज है, और भारत का तेजस विमान इनके लिए सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है। क्योंकि इन देशों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि फ्रांस से राफेल या फिर अमेरिका के F-18 हॉर्नेट जैसे विमानों की खरीदारी कर सके। इसके लिए इनकी पहली पसंद तेजस बन रहा है। आपको याद होगा 2021 के दुबई एयर शो में जैसे ही भारत के तेजस ने उड़ान भर के लैंड किया था, उसके बाद वहां पर मौजूद सभी देशों के वायु सैनिक अधिकारी इनके फैन हो गए थे। यहां तक भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के वायु सैनिक अधिकारी भी तेजस विमान के कॉकपिट पर झांकते नजर आए थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही भारत की डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे एक और डिफेंस से जुड़ी खबर के साथ। जय हिंद।